शीतकालीन घास बंगला जो कि टिरोडी नगर के आकर्षण के केंद्रों में प्रमुख था और 5 नवंबर की रात्रि करीब 7 बजे संभवतः शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिसकी जानकारी बंगले के बाहर तैनात गार्ड द्वारा लोगों को दी गई। तुरंत ही बचाव टीम हरकत में आई किंतु तब तक अग्नि अनियंत्रित हो चुकी थी। आनंद फानंद में कुछ अत्यावश्यक वस्तु ही बाहर निकाली गई। तब तक अग्निशमक दल भी पहुंच चुका था। अत्यंत प्रयास उपरांत भी आग पर काबू पाना मुश्किल हुआ और देखते ही देखते संपूर्ण बंगला खाक में तब्दील हो गया और बंगला तिरोड़ी माइल के अधिकारी शेख रुहल अमीन को आवंटित किया गया था। हादसे के समय माइल अधिकारी बंगले में उपस्थित नहीं थे, केवल उनकी पत्नी और पुत्री उपस्थित थी और इस विकराल हादसे में कोई जनहानि की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।